बार मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया है, मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, हर बार ही कर। तो दोस्तों कल ना छोटे ससुर जी आए हैं घर, तो मितांश के लिए ना काफ़ी सारे गिफ्ट आ रखे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है किरण नेगी और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किरण नेगी ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मेरी दिन से हो रही है और अभी दिन के 12 बज चुके हैं। तो आज अगर मौसम की बात करी जाए तो देखो मौसम मेरा काफ़ी प्यारा हो रखा है, मस्त वाली धूप खिली है, प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है। तो अब ना हमने घास वगैरह भी काट लिया है और आज ना हम सुबह से घर पे थे, तो आज दीदी और भवानी गए हैं मेला देखने के लिए, देवर जी और दीदी जी। तो मैं, लब्बू, मितांश, छोटे ससुर जी, बड़े ससुर जी, सब लोग आज घर पे हैं, सासू जी भी घर पे हैं। सुबह से हम गए थे पिरूल लेने के लिए, उसके बाद आए, नहाए धोए, कपड़े वगैरह धोए, ये देखो मेरे पीछे पूरे सबके कपड़े धुल गए हैं। तो अभी ना बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो खाना भी मैंने बना लिया है, तो अभी मुझे जाना है इसके बाद मासू सेरा छोटी सासू जी लोगों के लिए घास लेने के लिए, उनके साथ जाना है मेरे को घास लेने के लिए। तो क्योंकि ना वहाँ पे जो देने के लिए बच रखा है वो ले लेंगे हम, वो लेके आएंगे घर पे, क्योंकि उसको ना बाद में लोग काट देते हैं, चरा देते हैं गाय भैंसों में, तो इसलिए जाएंगे इसके बाद। और अभी देखिए खाने का टाइम भी हो गया है, तो हमारे घर पर ना अभी कोई आया हुआ है, तो सब लोग उन्हीं के साथ बैठे हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो आप खाएंगे खाना, तो दोस्तों ये देखो लब्बू को, और आजकल है बिना मम्मी के भी रह ले रहे हैं। मम्मी की याद आ रही, आ रही, आ रही। तो दोस्तों कल ना छोटे ससुर जी आए हैं घर, तो मितांश के लिए ना काफ़ी सारे गिफ्ट आ रखे हैं अंबाला से, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वैसे मैं दिखाती तो ऐसी चीज़ें नहीं हूँ, बट ये किसी ने भेज रखे हैं तो दिखाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मितांश के लिए आ रखे हैं ठंडियों के कपड़े, और बहुत ही प्यारे कपड़े हैं, मुझको ना बहुत ही ज़्यादा मस्त लगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारी छोटी सासू जी ने ना मितांश के लिए कितने प्यारे से कपड़े भेजे हैं। तो ये हुड है अब ठंडियों के लिए, तो ये है, और इसके साथ का सलवार ना नीले कलर का है, जिनका पैंट है, और एक और भेज रखा है, तो वो भी ना काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो ये देखिए, और इस पे ना जो ये वाले डिज़ाइन है ना ये काफ़ी मस्त लग रहे हैं, तो वो दूसरी वाली है चेन वाली, और ये है बटन वाली यानी कि बंद गले वाली। तो इसके साथ का ये जो पैजामा है ये भी सेम ही है पैंट टाइप का। तो थैंक यू सासू जी हमारे गुल्लू के लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट भेजने के लिए। तो ये भी भेज रखे हैं दो सूज, और लब्बू के लिए भी आए हैं गिफ्ट, तो वो ना दीदी ने पता नहीं कहाँ रखे हैं। तो ये देखिए हमारे गुल्लू के लिए ये सूज भी आ रखे हैं, काफ़ी प्यारे से जूते और जुराबे तो इतनी ज़्यादा भेज रखे हैं, सासू जी को ना पता है कि यहाँ पर कितना ठंडा होता है। तो ये देखिए कितने सारे गर्म जुराबे भेज रखी है, चार जोड़ी ये हैं और दो जोड़ी ये हैं, जो कि ना काफ़ी मस्त लग रहे हैं। तो ये देखिए, और ये ना मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे, क्योंकि ये थोड़ा जूते टाइप के जुराबे हैं, छोटे बच्चों के लिए ना छोटी ऐसी चीज़ें बिल्कुल मस्त लगती हैं, और इसका कलर भी ना मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। तो ये देखो, तो थैंक यू सासू जी हमारी तरफ से भी और गुल्लू की तरफ से भी आपके लिए, आपने ना गुल्लू के लिए इतनी सारी चीज़ें भेजी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ, जो कि मेरा है। तो मिस्टर जी ने इस बार मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया है, मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, हर बार ही करती हूँ। तो इस बार ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट मिला है मिस्टर जी की तरफ से, तो ये देखो। तो इसमें क्या है, इसमें है, अभी आपको खोल के दिखाती हूँ मैं। ये ना मैंने पहन भी लिया है, क्योंकि गिफ्ट था तो मैंने पहन लिया करवा चौथ के बाद ही। तो ये देखिए, इस बार ना मेरे लिए आया है ये गोल्ड का छोटा सा मंगलसूत्र डेली यूज़ के लिए, तो ये ना काफ़ी प्यारा लग रहा है। पसंद तो ये मेरी है, लेकिन उन्होंने ना अपनी तरफ से ला रखा है ये मेरे लिए। इस पे ना हमने चार छोटे दाने लगवा रखे हैं, और बाकी ये है इसका पैडल, जो कि काफ़ी मेरे को मस्त लग रहा था। तो यह है गोल्ड का, और मिस्टर जी की तरफ से इस बार मेरे लिए करवा चौथ का गिफ्ट है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। बाकी इसका जो ये पैडल है ना ये काफ़ी मस्त लग रहा था मेरे को, और मेरे को ना गोल्ड में ही पसंद है, एक दूसरी टाइप वाली होती ना चौड़ी वाली वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे को ये गोल्ड वाली मस्त लगी। और आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसको ना मैं डेली यूज़ के लिए अब मैं पहनूंगी इसे,
तो ये देखिए दोस्तों, ये ना कुछ ऐसा लग रहा है और पहन के नहीं काफ़ी प्यारा सा लगता है और छोटा ना अच्छा लगता है। बड़ा मंगलसूत्र तो मेरे पास है बट उसको ना मैं पहन नहीं सकती घर में क्योंकि वो लंबा है। तो मैंने इनसे कहा था एक दिन कि मुझे छोटा वाला मंगलसूत्र चाहिए, तो इस बार ना मेरे लिए खुद ही आ गया बिना बोले ही। बहुत पहले बोला था मैंने एक बार, तो ये इस बार मेरे लिए ये ले आए हैं। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो दोस्तों अभी ना हम मासू से आ गए हैं घास लेने के लिए और हम ना काफ़ी नीचे आ रखे हैं। आज देखो गधेरा ना यहाँ से पास में है, तो सासू जी, मैं और मनीषा, सोनू हम सब आ रखे हैं। हमारे घर से ना मैं आ रखी हूँ। तो दोस्तों ये देखो हम ना पहुँच चुके हैं और यहाँ से काटना है हमें घास। तो इधर साइड में देखो पूरा हमारा ही है। तो मनीषा ने सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ भी काटना पड़ेगा घास। तो यहाँ से देखिए नदी ना कितने पास में नज़र आ रही है। तो हम गांव के सबसे नीचे आ रखे हैं बिल्कुल नदी के किनारे। तो सासू जी को देखो काटो। तो यहाँ से ना दोस्तों देखो कैसा है। तो ये देखिए आज ना हम नदी के बिल्कुल पास में ही आ रखे हैं। तो यहाँ से काटना है हमें घास इधर साइड से, और सोनू वहाँ पे बैठ चुका है, उसका मन नहीं कर रहा है घास काटने का। तो दोस्तों अभी ना हम काट रहे हैं घास और तीन लोग ना हम घास काट रहे हैं और एक बांध रहे हैं पीछे से। सासू जी को देखो ये बांध रहे हैं हेलो हाय बाय बाय। और ये देखो हम तीन ना काटने पे लगे हुए हैं और यहाँ पे ना घास तो नहीं हो रखी है पर सिर्फ ऐसे वाले पत्ते हो रखे हैं। ये देखो तो सिर्फ यही हो रखा है यहाँ पे, तो देने के लिए ना हमें यही ले जाना है, यानी कि घास के लिए, गाय भैंसों के लिए। तो ये वाली जो हमारी मांग है ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, दो तीन उधर तक। तो चलो काटते हैं घास, और अभी ना 2:30 बज चुके हैं तो धूप भी अभी बची हुई है, तो काटेंगे घास और फिर जाएंगे हम घर को। ये तो देवर जी को देखो ये भी काट रहे हैं घास और ये ना काफ़ी शर्मा रहे हैं। तो इधर साइड से देखो ये पूरा हमारा ही है, इस धार के उधर फिर एक धार आएगा, फिर एक धार आएगा, उतनी दूर तक हमारा है। तो देखते हैं आज कितना काटते हैं हम इसको। तो दोस्तों ये देखिए अभी ना हम घास काट रहे हैं और यहाँ नीचे पे देखिए कितना बड़ा गधेरा है और यहाँ ऊपर से ना इतना भयंकर वो है, पहाड़ी जैसी है यहाँ पे। तो अभी हम इधर को घास काट रहे हैं, यहाँ से ना डर भी लग रहा है, देखो नीचे से कोई गिर गया तो सीधे नीचे पहुँचेगा पानी पीने। और इधर हैं सासू जी। तो दोस्तों यहाँ पे लगा रहे हैं अभी घास की भारी, ये देखो इतना घास काट दिया हमने उधर तक। तो दोस्तों देखो मितांश के लिए आ रखा है मेले से ये चश्मा, और ये आ रखी है हमारे मित्र, और ये रही इसकी बंदूक। ये लो खेलो आप। अभी ना दोस्तों मैंने रात का खाना भी बना लिया है और ये देखो आज ना मेरे घर पे बनी है कटीरी की सब्जी, और यहाँ पे ना मैंने इतनी रोटियाँ भी बना ली हैं। तो हम ना चूल्हे में बनाते हैं रोटी, तो ये देखिए और सब्जी भी तैयार, और इतनी ना रोटियाँ भी बन चुकी हैं।